हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे किकर मुलर काउंटर क्या होता है, कैसे इसका वर्क होता है। ये एग्ज़ाम में आएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। मैंने इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पर्सनली मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किकर काउंटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। किकर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन में, या हम बोल सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किकर मुलर काउंटर कहते हैं। अब डिटेक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं, तो देखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, ये आपकी क्या होती हैं, डिटेक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जो कि आपके किकर मुलर ट्यूब में जाके आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द ओरिजिनल डिटेक्शन प्रिंसिपल वाज डिस्कवर इन 1908। तो हमारे जो इसका जो प्रिंसिपल डिस्कवर किया था वो हमारे हैंस गीगर साइंटिस्ट ने 1908 में इसकी डिस्कवरी की थी। मुलर क्या थे, इनके डब्लू मिलर इनका पूरा नाम था, ये इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने पीएचडी की थी, और जो गीगर मुलर ट्यूब का डेवलप किया था वो 1928 में किया था। इसे हम किस नाम से जानते हैं, गीगर मुलर काउंटर के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, इसे हम गीगर मुलर ट्यूब भी कहते हैं और गीगर मुलर काउंटर भी कहते हैं। तो ट्यूब, ट्यूब तो मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ट्यूब जैसा, तो इसीलिए हम ट्यूब के नाम से सुनते हैं। काउंटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होती हैं आयनाइजिंग रेडिएशन को काउंट करने में यूज़ किया जाता है, तो इसे हम गीगर मुलर काउंटर के नाम से जानते हैं। अब आता है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी सिंपल है, किकर काउंटर कंसिस्ट ऑफ आ किकर मुलर ट्यूब। ये जो गीगर काउंटर है वो कंसिस्ट करता है किकर मुलर ट्यूब और सेंसिंग एलिमेंट्स, और डिटेक्ट द रेडिएशन एंड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। गीगर मुलर ट्यूब इज ए फील्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन एंड एट लो प्रेशर टू विच आ हाई वोल्टेज इन अप्लाइड। तो किकर मुलर एक ट्यूब है जिसमें इसके अंदर स्पेस होता है, मैं डायग्राम के उस पर समझाऊँगी डायग्राम बना करके। तो इसमें ये मतलब जो प्रिंसिपल दे रखा है डायग्राम के बेस पे यहाँ पे समझा रखा है। तो किकर मुलर ट्यूब होती है, इसमें एक स्पेस होता है खाली सा, तो उसमें आपकी इनर्ट, जिसे इनर्ट गैस को हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन फील्ड होती है लो प्रेशर पर। किस पे फील्ड होती है, लो प्रेशर पर, और उस ट्यूब में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट मैं यहाँ पर ना आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हर बुक में अलग अलग तरीके से डायग्राम दे रखा होगा, तो सिंपल प्रोसेस आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ये यहाँ पे ये सिंपल पे प्रोसेस दे रखा है, इससे समझाऊंगी मैं आपको। ये देखिएगा, गीगर मुलर, पहले समझिएगा कि गीगर मुलर काउंटर का काम क्या है। तो काम तो मैंने आपको बताया था कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करना ही इस डिटेक्टर का काम है। हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं, आपकी अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटेक्टिंग होती हैं, उनको डिटेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गैस बेस्ड डिटेक्टर भी बोलते हैं। अब हम इसका कंडक्शन समझेंगे कि कंडक्शन क्या है। तो कंडक्शन इसका सिंपल है, इसे क्या बोलते हैं हम, मेटेलिक सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलिक सिलेंडर बोलते हैं। मेटेलिक सिलेंडर हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो होता है हमारा मेटल्स का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसे मेटेलिक सिलेंडर कहते हैं। मेटेलिक सिलेंडर में जो खाली स्पेस होता है, इसमें क्या होती है, इस ट्यूब में वो इनर्ट गैस और नोवल गैस फील्ड होती है, जिसे इनर्ट गैस को हम नोवल गैस कहते हैं, वो इसमें फील्ड होती है,
जो हमारी नोवल गैस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो इसमें नोवल गैस के रूप में फील्ड होते हैं इस स्पेस में, इस ट्यूब में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच में जो लाइनिंग है इसको हम एक्सिस या सिंपल एक्सिस या एनोड के नाम से जानते हैं। यहाँ एक और ये जो बाहर का जो एरिया है ये कैथोड है, इसे हम कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी से ऐड कर देते हैं। इधर देखो कैथोड का ये माइनस का आ रहा है और एनोड का ये प्लस का आ रहा है, इसे हमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हिंदी में हम प्रतिरोधक कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो जो चार्जेस है, जो यहाँ पे आयनाइजिंग जितनी रेडिएशन है वहाँ यहाँ काउंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ एक मीका विंडो होती है, यहाँ से हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज को इस ट्यूब के अंदर एंट्री कराते हैं। तो यहाँ से मीका विंडो से इसके ट्यूब के अंदर जाती हैं और फिर ये अंदर जा कर के जो इसमें नोवल गैस फील्ड होती है उससे जाके ये टकराती हैं। जब ये अल्फा बीटा और गामा रेज यहाँ पे इसमें जाके जब ये टकराती हैं तो ये जो नोवल गैस होती है वो क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। आयनाइज जैसे कोई भी मान लीजिए हीलियम, आर्गन, नियोन, ये क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती हैं इसके अंदर जा कर के, जब ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स यहाँ से जा कर रिएक्ट टकराएंगी तो ये आयनाइज हो जाएंगी। तो ये जैसे हम नियोन के बारे में सिंपली देख लेते हैं, नियोन पे एक चार्ज होता है प्लस का और जब ये नियोन क्या करती है, अपने आउटर मोड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जाके ये जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी तो ये हो जाएगी न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो अंदर जो आयनाइज हो जाते हैं ये अपोजिट जो हमारे जो आयन्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा कर के अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, एनोड पे जाके अट्रैक्ट होंगे। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन को हम किससे, माइनस से डिनोट करते हैं और एनोड को किससे कहते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ जा कर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड पे अट्रैक्ट होंगे और जो हमारे पॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, कैथोड पे जाके अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लाइट वेट होते हैं, तो ये एनोड पे जाके जल्दी से जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, चार्ज होते हैं, वो थोड़े हैवी होते हैं, तो इनको आने में, इनको अट्रैक्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो ये यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे जाकर के मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये नॉक करते हैं यहाँ पे कैथोड पे जाकर के नॉक करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इसे जब ये नॉक करते हैं तो इसे हम डेड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये अट्रैक्ट होंगे एनोड पे जाकर ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस आता है। जब रेडिएशन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे इसमें इसके हमारे इसमें चेंज आएगा, जो हमारा रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ चेंज आएगा और यहाँ पे वोल्टेज में परिवर्तन आएगा। तो क्या यहाँ पे जब जो चेंजेस आता है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन को काउंट कर लेते हैं, कितनी हमारी रेडिएशन आयनाइज हुई है, इसे ही हम गीगर मुलर ट्यूब काउंटर कहते हैं। अगर आप बच्चों समझ में ना आया हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके और समझ सकते हैं, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।